हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई टू मैथ क्लासेज पर आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो कि आपके हर परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेगा इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर चलिए हम वीडियो को यानी को यानी कि हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रश्न दिया है एक से लेकर पचास तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी यानी कि यह इस तरीके का प्रश्न है जो कि आपके यूट्यूब पर जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना तो फिर चलिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक से लेकर यानी कि पचास तक मिलाकर तो एक और दो यानी कि दो अंकों की यानी कि दो नंबर वाली संख्याओं का योग होगा तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक से लेकर नौ तक क्योंकि एक से लेकर नौ तक कितने नंबर होते हैं एक नंबर होते हैं तो यहाँ से होगा एक से लेकर ले नौ तक यानी कि नौ नंबर बराबर में नौ इंटू एक डिजिट यानी कि एक संख्याओं की यानी कि एक संख्याओं का अंक तो यह हो जाए कितना नौ डिजिट यह हो गया नौ डिजिट अब उसके बाद नौ के बाद क्या आता है दस दस से लेकर कहाँ तक पचास तक यानी कि दस से लेकर पचास तक हो गया हमारे पास कितना कितने अंकों की यानी कि पचास में हम नौ को माइनस करेंगे तो यह होगा इकतालीस यानी कि इकतालीस नंबर उसके बराबर यानी कि उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे इकतालीस गुड़े या कितने अंकों की संख्या है या दो डिजिट अंकों की संख्या है तो यहाँ पर लिख देंगे दो डिजिट अब देखिए या इकतालीस दूनी हो गया बयासी डिजिट अब इनको जोड़ेंगे यानी कि नौ और बयासी को जोड़ेंगे तो यह हो गया हमारे पास इक्यानवे डिजिट यानी कि टोटल टोटल हो गया हमारे पास इक्यानवे डिजिट यानी कि यही होगा हमारा राइट आंसर यानी कि अंकों की ज़रूरत पड़ेगी इक्यानवे अंकों की कुल जरूरत पड़ेगी जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा तो फिर चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास दिया है एक से लेकर तिरसठ तक यानी कि हमें बताना है कि एक से लेकर तिरसठ तक कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि यह या उसी तरीके का प्रश्न है लेकिन यहाँ पर तिरसठ तक बताना है तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक से लेकर नौ तक कितना होगा नौ नंबर यानी कि नौ गुड़े एक डिजिट यानी कि एक से लेकर नौ तक कितने डिजिट कितने डिजिट यानी कि अंक हैं एक है तो हो गया नौ डिजिट लेकिन अब उसके बाद देखिए एक से लेकर नौ तक तो हमने ज्ञात कर लिए इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दस से यानी कि दस से लेकर तिरसठ तक क्योंकि दोस्तों दस से लेकर तिरसठ तक दो अंकों की संख्या है तो यहाँ हो गया तिरसठ में से तिरसठ में से हम नौ को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा तिरसठ में नौ को माइनस करेंगे तो यह होगा चौवन यानी कि चौवन नंबर चौवन अंक लेकिन चौवन कितने अंकों की संख्या यानी कि दस से लेकर तिरसठ तक कितने अंकों की संख्या है दो अंकों की यानी कि दो डि दो डिजिट हो गया तो यह हो जाएगा चौवन दूनी एक सौ आठ डिजिट अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा एक सौ सत्रह डिजिट यानी कि 117 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी डिजिट माने अंक तो यानी कि 117 हमारा टोटल डिजिट होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा यानी कि सही आंसर हो जाएगा तो फिर चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम एक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न और लेते हैं जिससे कि यह कॉन्सेप्ट आपको कन्फर्म हो जाए तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि एक से लेकर एक तक यानी कि अब यहाँ पर तीन डिजिट हो गया इससे पहले दो डिजिट तक था तो लेकिन यानी कि दो अंकों तक था लेकिन अब यहाँ पर तीन अंकों का हो गया है तो इसके लिए हम भी उसी तरीके से हल करेंगे तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि एक से लेकर यानी कि एक से लेकर यहाँ नौ तक अब नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से लेकर अब हम नूनयान तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन अंकों का है उससे पहले दो अंकों का था तो हम नौ तक लिखते थे लेकिन अब तीन अंकों का है तो निन्यानवे तक लिखेंगे यानी कि नाइन्टी नाइन तक तय हो गया यानी कि एक से लेकर नयानवे तक कितने संख्या हो गई एक सौ नवासी यानी कि एक सौ नवासी अंक होंगे एक सौ नवासी अंक होंगे यह या आपको याद करना होगा क्योंकि जैसे देखिए एक दो उसी तरीके से नौ आठ में यानी कि नौ आठ नौ सात नौ छः नौ पाँच यानी इसी तरीके से होगा तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इसी तरीके से करते हुए एक सौ नवासी नंबर होंगे लेकिन यह नंबर कितने अंकों की है यह नंबर सिर्फ एक अंकों की है तो यहाँ से एक से गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना एक सौ नवासी यानी कि यह हो गया एक सौ नवासी डिजिट एक सौ नवासी डिजिट अब देखिए यहाँ से हम तो तो एक से लेकर निन्यानवे तक का ज्ञात कर लिए अब हम सौ से यानी कि के बाद कितना आएगा तीन अंकों की यानी कि सौ से लेकर एक सौ तेईस तक सौ से लेकर एक सौ तेईस तक ज्ञात करेंगे तो यह होगा हमारे पास चौबीस अंक क्योंकि निन्यानवे निन्यानवे में से एक सौ तेईस घटाएँगे तो हमारे पास प्राप्त होगा चौबीस तो यह हो जाएगा चौबीस नंबर इंटू कितने डिजिट हैं तीन डिजिट है यानी कि तीन अंक है तो तीन से गुणा लगाएंगे तय हो गया चौबीस तीन बहत्तर यानी कि यहाँ से यह हो गया यहाँ से यह हो जाएगा बहत्तर डिजिट यानी कि इन दोनों का टोटल करेंगे तो यानी कि एक सौ नवासी डिजिट और प्लस एक प्लस बहत्तर डिजिट को हम टोटल करेंगे तो यह होगा हमारे पास दो सौ इकसठ यानी कि दो सौ इकसठ डिजिट यानी कि दो सौ इकसठ नंबर यही होगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी हमारा सही उत्तर होगा तो फिर चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद दोस्तों